तो दोस्तों TTML ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो वही टाइप के नंबर आ रहे हैं जो पिछले 2 सालों से लगातार कंपनी डिस्क्लोज करते आ रही है। वही नंबर फिर से कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, पिछले साल देखें तो 273 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जबकि अभी देखें तो 280 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हर क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, न्यूट्रल है, नहीं बढ़ा है नहीं घटा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे देखा जाए तो 156 करोड़, पिछले साल 152 करोड़, अभी देखें तो 150 करोड़ के आसपास कंपनी के खर्चे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं वही आ रही है जो हर क्वार्टर में कंपनी देती आ रही है। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। बेसिकली कंपनी प्रॉफिट में तो डील नहीं कर रही है, लॉस में ही डील कर रही है पिछले कई सालों से। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस 280 करोड़ के आसपास था, पिछले साल भी 280 करोड़, अभी देखें तो 277 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस है। तो कंपनी के लॉस के अंदर भी कोई ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के EPS चलिए EPS देख लेते हैं। EPS के अंदर क्या चेंजेस है, पिछले क्वार्टर में 1.43 माइनस का, पिछले साल 1.44 माइनस का, अभी देखें तो 1.42 माइनस का। तो ओवरऑल देखें तो नंबर वही है जो हर क्वार्टर कंपनी देते आ रही है, और इसी प्रकार के नंबर अगर कंपनी हर क्वार्टर क्वार्टर देते रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि शेयर ऊपर जाने के लिए कोई शेयर को ऐसा ट्रिगर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जब तक कंपनी एक अच्छा सॉलिड रिवेन्यू जनरेट नहीं करेगी, एक पॉजिटिव अपसाइड दिखाएगी नहीं, तब तक मेरे हिसाब से शेयर के अंदर ऊपर की तेजी बहुत लिमिटेड हो जाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।